Good morning, student. Today we will read 10th class book The First Flight, chapter 7, Animals. Animals, which is written by Walt Whitman. In this poem, poet have desire to change himself into animal. He said that God shaped man and animal. God shaped man and animals for living on the earth. वह कहता है कि भगवान मनुष्य और जानवरों को एक साथ बनाया है. He gave man to a high position than to the animals. The Walt Whitman is the great American poet, believes animals are better than man. उनको ये विश्वास है कि आज का जो एनिमल है मनुष्य की तुलना में अच्छे हैं. The poet appreciated some qualities in animals which man don't have. वो कहता है कि कुछ एनिमल्स में ऐसे गुण हैं जो कि मनुष्य में नहीं है. He expressed his observation about animals and man through his poem Animals. वह मनुष्य और जानवरों के बीच में जो विशेष गुण होते हैं, जो अंतर होते हैं, उसको इस पोयम में वर्णन किया हुआ है. द पोएट विशेज टू लिव विथ द एनिमल्स एंड टू एक्सपीरियंस अ लाइफ वेयर नो वन कंप्लेन्स एंड वेयर एवरी वन इज फ्री ऑफ सिंस एंड सॉरोज. पोएट ये अनुभव किया है कि एनिमल्स की जिंदगी में जहाँ तक मैंने देखा है वह बहुत ही फ्री जिंदगी जीती है. वह किसी से कंप्लेन नहीं करते हैं और न उनके जीवन में किसी तरह का दुख होता है. पोएट बिलीव्स दैट प्रोबेबली अ वेरी लॉन्ग टाइम एगो ह्यूमंस पॉसिड ऑल द क्वालिटीज सच एज कॉमनेंस लैक ऑफ ग्रीड एंड द एबिलिटी टू स्टे हैप्पी. कभी कहता है कि इस प्रकार के गुण मनुष्य के पास पहले हुआ करता था. इस प्रकार के गुण जैसे कि कामनेस शांत रहना, लैक ऑफ द ग्रीड लालच नहीं करना, एंड स्टे हैप्पी और जहाँ भी रहो खुशी के साथ रहना, ये तो मनुष्य का गुण था. बट दे हैव लॉस्ट देम, लेकिन मनुष्य ने इसे खो दिया है. सो इन दिस पोयम poet has given a pedagogic point before human beings. इसलिए poet इसमें अपना बीज दिया हुआ है कि why he wants to change into animals. Poet is very fond of the company of the animals. The poet desire to live among the animals because according to him animals are calm and self sufficient. They do not complain and weep about their condition. They are always satisfied and do their duty towards God. कभी कहता है को हमेशा अपने जिंदगी से संतुष्ट होते हैं और वे कभी किसी से कंप्लेन नहीं करते हैं. एनिमल्स ऑलवेज एक्सप्रेस देयर लव एंड रिस्पेक्ट फॉर द ह्यूमन बींग्स. जानवर जो होते हैं, एनिमल जो होते हैं, हमेशा मनुष्य के प्रति अपना प्रेम दिखाते हैं. एनिमल्स स्पेंड अ लाइफ ऑफ द सेटिस्फैक्शन विथ द पजेसिंग थिंग्स. एनिमल्स के पास जो भी कुछ होता है उससे एक संतुष्ट पूर्वक अपनी जिंदगी को जीता है.
और खुशी खुशी रहता है, किसी तरह का कंप्लेन नहीं करता है। दे डू नॉट शो रिस्पेक्ट फॉर अदर्स ऑल्सो इवन दो डू नॉट रिस्पेक्ट देयर थाउजेंड्स एंड डिसेंडेंट्स सॉरो एंड हैप्पीनेस आर क्वाली इक्वल टू देम। वे ज्यादा किसी से अपना प्रेम नहीं दिखाते हैं, वे चाहे दुख हो या सुख हो हमेशा खुश रहते हैं, एक समान बने रहते हैं। वेयर एज ह्यूमंस आर द क्रेजी अबाउट द मटेरियल थिंग्स, जबकि दूसरी तरफ मनुष्य क्या है, भौतिक चीजों के प्रति वह मानो कि पागल हुआ है। उसके पास जितना ही चीज आती जाती है उसे शांत कभी भी संतुष्ट नहीं होता है, वह और उसके पीछे पड़ा रहता है। ह्यूमन लाइज अवेक एट द नाइट, वह अपने ऐसे कर्मों से वो रात में ही जग जाता है और परेशान हो जाता है। दे क्राई फॉर द रॉन्ग दैट दे हैव डन, वो भौतिक चीजों के कमाने के चक्कर में कुछ मनुष्य गुणों मानवीय गुणों में उसे कमी हो जाती है और वह बार बार उस पर पश्चाताप करने लगता है। एट लास्ट दे लूज देयर टेम्पर ओवर द ट्रिफल्स, और अंत में उसकी लाइफ छोटी छोटी चीजों पर वह अपने टेम्पर को लॉस्ट करने लगता है, गुस्सा करने लगता है, ईर्ष्या करने लगता है। एनिमल्स आर क्वालिटी हैप्पी, लेकिन मनुष्य की तुलना में ये एनिमल्स में जो क्वालिटी होती है बहुत अच्छी है, एनिमल्स खुश रहता है। दे डू नॉट आइडल्स वे देयर टाइम फॉर डिस्कसिंग देयर ड्यूटी टू गॉड लाइक ह्यूमन बींग्स, जैसे मनुष्य अपने समय में ये डिस्कस करने में बिता देते हैं कि भगवान को क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, लेकिन एनिमल्स ऐसा नहीं करते हैं। दे ऑब्जर्व ही ऑब्जर्व दैट ह्यूमन्स डू नॉट हैव दोज क्वालिटीज व्हिच एनिमल्स पोसेस सच एज साइन ऑफ द लव क्वाइटनेस काइंडनेस सेल्फलेसनेस ऑनेस्टी पेशेंस सिंपैथी एक्सेट्रा। हेयर पोएट ऑब्जर्व दैट, कभी यहाँ ऑब्जर्व करते हुए कहता है कि मनुष्यों के पास वो गुण अब नहीं है जो कि पहले हुआ करते थे। वो बताता है कि अब जानवरों में हमेशा प्रेम रहता है, क्वाइटनेस शांत रहता है, दयालु रहता है, सेल्फलेसनेस स्वार्थ रहित रहता है, ईमानदार रहता है, पेशेंस धैर्य रखता है और सिंपैथी भी रखता है। ये सारे गुण अब एनिमल्स में देखने को मिलती है। दीज क्वालिटीज आर एब्सोल्युटली इसेंशियल फॉर अ ग्लोसी लाइफ, इस तरह के गुण निश्चित रूप से मनुष्य के अंदर होने चाहिए। द पोएट हैज अ डीप एक्सपीरियंस ऑफ लर्न फ्रॉम द एनिमल्स सिंस दे एक्सप्रेस देयर डीप कन्वर्स विद देम। पोएट हैज ए डीप एस्पिरेशंस टू द लर्न फ्रॉम द एनिमल्स, पोएट एनिमल से बहुत कुछ सीखा है। सिंस दे एक्सप्रेस देयर डीप कंसर्न विथ देम, इसलिए पोएट इन गुणों को देखते हुए वह अपने एनिमल के रूप में चेंज करने की बात करता है। दे डू नॉट पर्सीज एनी काइंड ऑफ द फॉल्सहुड, एनिमल्स के पास किसी प्रकार का झूठा अभिमान नहीं होता है, वह किसी को झूठा अभिमान में दिखाने की कोशिश नहीं करता है। ही फील्स दैट द लाइफ ऑफ मैन इज फुल ऑफ स्ट्रेस, वह अनुभव करता है कि मनुष्य का जिंदगी जो आज है फुल ऑफ स्ट्रेस, दबाव में है, डिप्रेशन है, एंग्जाइटी, अनहैप्पी। बट एनिमल्स की लाइफ इसे विपरीत है। सो ही डिजायर्स टू टर्न अवे फ्रॉम लिविंग विद द अदर ह्यूमंस, ही वॉन्ट्स टू लिव इन द कंपनी ऑफ द एनिमल्स फॉर गुड बिकॉज ही थिंक्स दैट ही विल गेट रियल हैप्पीनेस एमंग एनिमल्स, इसलिए वह एनिमल्स के साथ रहना चाहता है क्योंकि एनिमल के पास जो गुण है उससे वह खुशी खुशी अपनी जिंदगी बिता सकता है।